व्हाट्सअप एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल तो गाइस बारी आ चुकी है फिजिकल एजुकेशन को समाप्त करने की हम लोग आ गए हैं बिल्कुल लास्ट एक यूनिट बचा है हमारा दैट इज योगा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आप लोग को मैं ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा और आपको इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब आज सॉल्व हो जाएंगी तो वीडियो बहुत स्पेशल रहेगा बहुत ध्यान से देखना है समझना है और इसके साथ साथ हमारा पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा बचेगा बस फिक्सचर्स वाला पार्ट वो कल करेंगे एंड इट्स ओवर Alright, chali say, let's begin. बेटा जी इस चैप्टर को तैयार करने का ना एक स्पेसिफिक तरीका है सर वो क्या तरीका है मैं आपको अकॉर्डिंगली ही बता के चलता हूं ठीक है तो बेसिक्स के साथ शुरू करते हैं सबसे पहले आता है कि सर ये योगा है क्या या ये योग शब्द कहां से आया है तो देखो इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर uh, वर्ड है योगा और बहुत सारे मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए योग हमें हेल्प करता है तो सर ये योग आया कहाँ से है तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे द टर्म योगा कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड युज जिसका मतलब होता है यूनियन इसका मतलब है यूनियन का मतलब है कि आपकी जो आ, अंतरात्मा है ठीक है मतलब एक तरीके से आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसको भी साथ में लेके चलना अलोंग विद योर अपियरेंस अलॉन्ग विद यर फिजिकल वेलनेस तो आपके फिजिकल वेलनेस के साथ साथ मेंटल वेलनेस को भी साथ लेके चलना और आपको एक ओवरऑल गुड हेल्थ देना बोथ फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली हर वे में यही बेसिकली योगा का एक इम्पॉर्टेंस है और नीड भी है तो आगे क्या आता है योगा कंबाइन्स फिजिकल एक्सरसाइजेस देखो फिजिकल एक्सरसाइजेस तो है ही उसके साथ कंबाइन क्या करता है मेंटल मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स द मसल्स एंड रिलीव स्ट्रेस बेटर होंगी stress भी होगा और मैंने आपको बोला ना फिजिकली में individual बेटर फील करता है, है? है है? है? ठीक ठीक अब देखो इसके अंदर एक शब्द है आसन, आसन तो सर आसन क्या है? जितने भी हम योगा में हम लोग देखते हैं तो आसन होते हैं बहुत सारे तो सर अब ये आसन क्या है तो देखो क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पतंजलि सुखम, आसनम का मतलब एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करो जो आपको एक पीस प्रोवाइड करे और जहां से यू कैन कॉन्सेंट्रेट और आप अपने अंदर की आवाज सुन सको राइट द पोजिशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है इन ब्रह्म परिषद टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन तो आप बहुत लंबे समय तक कंफर्टेबली इस पोजीशन में बैठ सकते हो उसको हम आसन बोल रहे हैं राइट चलो जी अब बच्चों बेनिफिट्स क्या क्या होंगे आसन के फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस देखो बेनिफिट्स क्या क्या है अब ध्यान रखना बेटा जी हम लोग बहुत सारे अलग 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 आसन पढ़ने वाले हैं सब में बेनिफिट्स आपसे पूछेगा राइट तो बेनिफिट्स ना बहुत सारे कॉमन हैं तो आपको सबके अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है कॉमन बेनिफिट्स याद कर लो सब जगह लिखाना आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे तो क्या बेनिफिट्स होते हैं बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम बिकम मसल्स मसल्स ऑफ ऑफ द द बॉडी इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है द साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट ऑल्सो आपके लंग्स और चेस्ट को भी बेटर करता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन आपका अच्छा काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है नर्वस सिस्टम अच्छा काम करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि बॉडी से वेस्ट का Uh, एक एक्सक्रीशन बहुत अच्छे तरीके से होता है इट विल ऑल्सो इंक्रीज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम भी बेहतर काम करता है तो आसन करने से बहुत सारे फायदे हैं सबसे अच्छे तरीके से अगर आपको लिखने हो तो आपके सारे के सारे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम अच्छा काम करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा काम करेगा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो चार से पांच बेनिफिट्स आप हमेशा ही लिख सकते हो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे ओके चलो सर अब बच्चों हम लोग इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग कुछ सीरियस हमारे आसपास जितनी बीमारियां हम देखते हैं डिजीजेस हम देखते हैं जो हर घर में जा रही है उन डिजीजेस की हेल्प को पढ़ेंगे और कैसे उन डिजीजेस को क्योर करना है कैसे आसन की हेल्प से ये डिजीजेस क्योर हो सकती हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो आपको सिंपली क्या करना है आपको अब एक नोटबुक लेनी है ठीक है उस नोटबुक को कुछ चार से पांच पार्ट्स में डिवाइड कर देना है बस चार ही पार्ट्स में कर लो मेनली ठीक है तो आप लोग एक काम करना ये मैंने कुछ स्टिक डायग्राम्स बनाए हैं अभी दिखाता हूं मैं आपको आप सबसे पहले ऐसे अपनी कॉपी को एक दो तीन चार मेनली चार पार्ट्स में डिवाइड कर देना ठीक है अब सबसे पहले आप क्या लिख लेना नंबर वन पे आप लिख लेना ओबेसिटी ठीक है मोटापा अब इसके अंदर जो जो आसन आएंगे ना आपको यहां यहाँ पे आसन लिखना है और यहां पे उसका डायग्राम बना लेना है ठीक है यहां पे आसन लिखना और यहां पे उसका डायग्राम बना लेना ओके क्योंकि एग्जाम में स्टिक डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस होगी स्टिक डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए अगर आपने स्टिक डायग्राम्स बना दिए ना तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे और एक नंबर में आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाता है ओके okay? अच्छा दूसरी बात बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में गिनती के तेरह से पंद्रह आसन हैं जो चारों ही बीमारियों में कॉमन है राइट right, तो बहुत सारे आसन हैं जो कॉमन हैं तो हर बीमारी में 10 बारह 10 बारह आसन दिए हुए हैं जिसको देख के बच्चे को लगता है पता नहीं क्या आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारे कॉमन हैं तो अगर आप कॉमन कॉमन वाले भी याद कर लोगे ना और एक दो अलग से याद कर लोगे तो पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे ठीक है तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके साथ ओबेसिटी के साथ सर ओबेसिटी का मतलब क्या है जब आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं ओबेसिटी राइट ओबेसिटी इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल अब ये क्यों होता है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा जंक फूड अनहेल्दी ड्रिंक्स रेस्ट करने से गेम खेलने से घर बैठ के बच्चे गेम खेलते रहते हैं है ना सर गेम खेलने से ओबेसिटी अरे मतलब फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा ना बस गेम खेल रहे हैं और खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं वो भी प्रोसेस्ड फूड सारा का सारा पैक्ड फूड स्वीट्स खा रहे हैं बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट है नहीं तो ओबेसिटी तो होगा अब कौन इंसान कितना ओबीज है कैसे कैलकुलेट होता है बॉडी मास इंडेक्स से सर बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए बच्चों हमारे पास क्राइटेरिया आप जानते ही हो वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट कई बार मैंने आपको सिखाया है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना और आपको पता है कि नॉर्मल कब कंसिडर किया जाता है ट्वेंटी तक ट्वेंटी से ऊपर जाओगे तो ओवर हो जाओगे और 30 से ऊपर जाओगे तो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाओगे ठीक है चलो भाई स्क्रीनशॉट लेना ले लो अब ओबेसिटी को ठीक करने के लिए जो सबसे पहले आसन आ रहा है बच्चों वो है ताड़ आसन ठीक है ताड़ आसन क्या है सर किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है बहुत बेसिक डायग्राम्स की मदद से आप इसको देख सकते हो देखो बहुत सीधा खड़े होना ठीक है स्ट्रेट खड़े होना है अपने हाथों को ऐसे नॉर्मली उसके बाद ऐसे स्ट्रेच करना है ऊपर तक जितनी ऊपर तक आप कर सकते हो ये देखो ऊपर तक स्ट्रेच किया और उसके बाद यहाँ नीचे लाके रिलैक्स करना है तो ये आसन सबसे पहला आसन होता है आपकी स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है ठीक है और आपको ओबेसिटी से फाइट करने में सबसे पहले देखो ओबेसिटी में सबसे पहले आपका बॉडी मूवमेंट होना चाहिए तो सबसे पहले ताड़ आसन से शुरू करो ना बेसिक आसन से तो ये यहाँ पे दिखाया गया है ठीक है जी देखो सर सर ताड़ासन के बारे में क्या है इट इज यूजअली द स्टार्टिंग पोजिशन फॉर ऑल द स्टैंडिंग पोजेज जितने भी स्टैंडिंग पोजेज हैं उन सब की सबसे पहला बेसिक पोजिशन यही है ठीक है इट्स यूजफुल टू प्रैक्टिस ताड़ासन एज अ पोज इन इट क्या क्या बेनिफिट्स होंगे सबसे पहले जितने भी आसन पढ़ोगे सब में रिड्यूस ओबेसिटी लिखना क्योंकि आप उसी में पढ़ रहे हो तो रिड्यूस ओबेसिटी क्योर कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव बॉडी पॉस्चर बॉडी पॉस्चर करते हैं, है? और इसके क्या हो सकते हैं मतलब है कि किन लोगों को नहीं करना या बहुत ध्यान से करना है ओके okay, तो किनको नहीं करना अगर आपका लो बीपी रहता है हेडेक रहता है तो आपको नहीं करना चाहिए ठीक है सर इसका स्टिक डायग्राम कैसे बनेगा अगर मुझे बना के आना हो तो देखो मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं सबके बेसिक बेसिक सबसे पहले मैंने बनाए हुए हैं देखो सबसे पहला हो गया आपका ये आपको बना लेना है ठीक है है ठीक बहुत बेसिक है, ऐसे एक चिंटू बनाओ चिंटू बन गया और इसके हाथ ऐसे ऊपर मिला दो बस देखो ऐसे आप ताड़ आसन का स्टेक डायग्राम एग्जाम में बना के आ सकते हो लो सर ये आपका सबसे पहला स्टेक डायग्राम हो गया ठीक है मैंने कुछ बनाए हैं इसके अलावा आपको जो भी चाहिए आप गूगल पे सर्च करना सीधा आपके पास आ जाएगा परफेक्ट है तो इस तरीके से स्टिक डायग्राम्स बनते हैं डन हो गया सर ताड़ासन समझ गए अच्छा इससे पहले एक चीज और मैं आपको दिखा दूं बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन चीजें भी लिखी हैं जो आप सब में लिख के आ सकते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे आसन के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे तो आप हर आसन में लिख के आ सकते हो ये अगर कहीं भी भूल जाओ तो मेक्स योर पोस्चर बेटर मेक्स योर मेक्स यू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस बेटर ठीक है इट इज हेल्पफुल इन बैक पेन देखो जितने भी आसन होते हैं ना वो स्पाइन से रिलेटेड होते हैं तो हम लोग बोलेंगे बैक पेन में हेल्प करेगा मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा मेंटल स्ट्रेस कम करेगा तो ये कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं आसन के जो आप सब में लिख के आ सकते हो तो कभी भूल जाओ लिखा ना यार नंबर मिल जाएंगे तुम्हें आराम से ठीक है ऐसे ही कॉन्ट्रडिकेशन भी आप सब में ये लिख के आ सकते हो नंबर वन

ओके okay, इसका भी स्क्रीन ले लो स्टिक डायग्राम नंबर वन ताड़ मैंने आपको दिखा दिया ठीक हो गया जी तो ओबेसिटी के लिए सबसे पहले ताड़ासन. दूसरा है हमारे पास कति चक्रासन कति चक्रासन का क्या मतलब होता है देखो बच्चों हर आसन का मतलब उसके नाम में छुपा हुआ है ओके अब देखो चक्र से क्या समझते हो गोल गोल घूमना और कति का क्या मतलब होता है वेस्ट संस्कृत वर्ड कति चक्र का क्या मतलब है चक्र मीन व्हील है ना तो ये बेसिकली हमारी जो वेस्ट है वेस्ट को इस तरीके से रोटेट करना पूरा व्हील के फॉर्म में तो ये हमारा कति चक्रासन परफॉर्म करना हो जाता है इस डायग्राम में देखो ये देखो देख पा रहे हो आप ये डायग्राम बना हुआ है आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ अब शायद ये थोड़ा सा बेहतर होगा तो बेसिक पोजिशन ये है आपकी इस तरीके से खड़े हो जाना उसके बाद फिर अपनी जो वेस्ट है उसको रोटेट करना है पूरा है ना तो इसको हम कौन सा आसन बोलेंगे यहां पे देखो पूरा रोटेशन की वजह से वेस्ट रोटेशन पोज ओके इसको हम कति चक्र आसन बोलते हैं चलो भाई ये भी समझ गए अब देखो क्या लिखा हुआ इसके अंदर कॉल इट इन इंग्लिश वेस्ट रोटेशन पोज ठीक हो गया परफेक्ट है चलो भाई सर इसका स्टिक डायग्राम कैसे बनेगा आ जाओ मैं आपको इसका स्टिक डायग्राम भी दिखा देता हूं देखो कति चक्रासन में चिंटू इस तरीके से आपने बनाया और ये वेस्ट रोटेट कर रहा है अपनी इस तरीके से ठीक है तो आप इस तरीके से कति चक्रासन का स्टिक डायग्राम एग्जाम में बना के आ सकते हो चलो सर ये भी समझ गए अब तीसरा कौन सा होता है हमारे पास अच्छा इसके बेनिफिट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन एंड वेस्ट रिड्यूस स्ट्रेस मैंने बोला ना बेनिफिट सब में सेम चल जाएंगे ओके कॉन्ट्रेंडिकेशन पीपल हैविंग हेल्थ कंडीशंस लाइक स्पाइनल इश्यूज हर्निया शुड अवॉइड दिस प्रैक्टिस प्रेग्नेंट लेडीज शुड नॉट परफॉर्म दिस योगा पोज चलो भाई तीसरा कौन सा आ रहा है पवन मुक्तासन और चौथा मत्स्यासन तो सर पवन मुक्तासन क्या है देखो पवन का मतलब होता है एयर मुक्त आसन का मतलब होता है कि कुछ लोगों की बॉडी में जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो एयर ब्लॉक रहता है तो उस केस में अगर वो ये आसन परफॉर्म करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा इट इज ऑल्सो अ रिक्लाइंड पोस्चर ठीक है रिक्लाइंड पोस्चर क्यों है देखो इस तरीके से सर्कल बनाना होता है पकड़ के अपने लेग्स को और फुल स्ट्रेच देखो ठीक है पवन मुक्त आसन देखो संस्कृत नेम पवन मुक्त आसन इज मेडअप ऑफ थ्री संस्कृत वर्ड्स पवन मुक्त आसन पवन का मीन्स क्या है टेंशन मतलब तो कम करेगा लोअर बैक में और थाई फैट और बटक फैट और एब्डोमिन फैट रिलीज करने में भी हेल्प करता है अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क है हर्निया है तो फिर आपको यह आसन नहीं करना है सही हो गया इसका स्टिक डायग्राम इसके साथ ही दिखाता हूँ मत्स्यासन क्या होता है मत्स्यासन होता है बेटा फिश पॉज मत्स्य का मतलब क्या होता है फिश राइट तो आपने देखो इस तरीके से चौकड़ी मार के फिश के तरीके से बैक बेंड करके राइट लेकिन ये नीचे नहीं लगनी चाहिए आपकी बैक ये गैप हमेशा होना चाहिए थोड़ा सा एक थोड़ा एडवांस लेवल का आसन है ये तो दी स्ट्स आर परफॉर्मड बाय एक्सपर्ट्स राइट अंडर प्रोफेशनल सुपरविजन तो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम अलोन ध्यान से करना है आपको राइट तो देखो क्या लिखा हुआ है मत्स्यासन और फिश पोज इज अ रिक्लाइनिंग बैक बेंडिंग आसन इन योग एंड मॉडर्न योग क्या होंगे? में करेगा, आईज को हेल्प करता है टेंशन कम करता है नेक में और शोल्डर में ठीक है अब आओ मैं आपको इनके स्टिक डायग्राम दिखा देता हूं पवन मुक्तासन और मत्स्यासन देख लो जी फटाफट से पवन मुक्तासन इस तरीके से बना दोगे है ना ये चिंटू की गर्दन बनाना इस तरीके से कैसा एस बना देना और यहां से ज्वाइंट कर देना देखो ऐसे सही है तो ये तो हो गया पवन मुक्त आसन डन सर और मत्स्य आसन कैसे बनेगा ये भी मैंने आपको नीचे दिखा दिया है देखो तो ये स्टिक डायग्राम्स बच्चों प्लीज बड़े ध्यान से देखने हैं और बना के आने हैं डन सर समझ गए चार आसन हो गए परफेक्ट है आई होप आप कॉपी में लिखते जा रहे हो साथ साथ और बना रहे हो ठीक है पांचवा कौन सा आता है हमारे पास हल आसन और पश्चिमोत्तनासन अब देखो हल आसन कहाँ से आया है हल समझते हो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता था हल एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है तो उसकी शेप बनाई जा रही है देखो ये देखो हल जैसी शेप बना दी या नहीं बना दी चिंटी ने राइट देखो क्या लिखा हुआ है हल आसन इज अ क्लासिक आसन इन मेनी टाइप्स ऑफ योग प्रैक्टिस इट इन्वॉल्स लाइंग ऑन योर बैक एंड प्लेसिंग योर फीट ऑन द फ्लोर बिहाइंड योर हेड ठीक है देखो इसका सर कोई और बेटर डायग्राम हल आसन का आ जाओ गूगल पे देखते हैं हल आसन मैंने स्टिक डायग्राम सर्च किया हुआ है हम इसमें हल आसन देखते हैं हल आसन चलो भाई इमेजेस देखो अच्छा स्टिक डायग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया बेसिकली अगर हमें हलासन सर्च करें तो हल आसन का यहाँ पे इमेज आ जाता है देखो देख पा रहे हो बिल्कुल सीधा लेट के अपना जो बैक है देखो पैर एकदम पीछे ले जाने हैं राइट तो ये हमारे पास कौन सा आसन आ गया हल आसन आ गया सर चलो डन सर इसका डायग्राम कैसा है ये देखो ये आ गया हमारे पास इसका डायग्राम परफेक्ट है जी चलो सर हलासन समझ गए इसके बाद कौन सा आ रहा है नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इट इज गुड फॉर डिस्पेप्सिया डिस्पेप्सिया क्या होता है सर अपर स्टमक में कई बार पेन होता है लोगों को तो उसमें काफी बेनिफिशियल है ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और इट हेल्प्स इन कामिंग द ब्रेन ठीक है किसको नहीं करना चाहिए जिसको हाई बीपी है स्लिप डिस्क है बैक में प्रॉब्लम है उनको नहीं करना चाहिए ओके okay. पश्चिमोत्तासन किसको बोलते हैं तो देखो पश्चिमोत्तासन में आपको सिंपली सीधा बैठ के ये बेंड करके आगे तक जाना है राइट देखो इस तरीके से है। राइट ये क्या है? करता है ओबेसिटी कम करने में हेल्प करता है अस्थमा में रिलीज देता है ठीक है अब देखो इसके सर क्या क्या कैसे कैसे इनके स्टिक डायग्राम्स होंगे तो देखो ये हमारे पास हलासन हो गया ठीक है और ये आपके पास पश्चिमोतासन हो गया चलो सर धनुरासन अर्ध मत्स्य और आगे के आगे हमारे पास अलग अलग आसन आ रहे हैं ये मैं आपको सारे दिखा रहा हूं लो सर हल आसन हो गया पश्चिमोत्तन आसन हो गया अर्ध मत्स्य अब देखो मत्स्य इंद्र अभी आप पीछे पड़ के आए ठीक है मत्स्य आसन में क्या आया था हमारे पास फिश अर्ध में क्या होता है हाफ फिश ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ है अर्ध मत्स्येंद्र आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे चलता है अर्ध मीन्स हाफ मत्स्य मीन्स फिश और इंद्र का मतलब क्या होता है किंग और आसन का मतलब होता है पोस्चर तो देखो चार शब्दों से बना है कितने शब्दों से बना है चार शब्दों से हाफ अर्ध का मतलब हाफ मत्स्य का मतलब फिश इंद्र का मतलब किंग और आसन का मतलब होता है पोस्चर राइट right. तो इसका क्या पर्पस है आपकी स्पाइन में फ्लेक्सीबिलिटी बनाता है सप्लाई इन लंग्स हमारे पास जो लंग्स में एयर की सप्लाई है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है बैक पेन ठीक करता है ठीक है अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है इस तरीके से बैठ के पूरा परफॉर्म करना पड़ता है सही है आ जाओ इसको गूगल पे देखते हैं गूगल 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 आ जाइए जी हम यहां पे लिखते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन देखो तो इस तरीके से हमारे पास हाफ फिश पोज दिखाया गया है राइट बहुत ध्यान से आसन को देखना बेटा इस तरीके से कंफर्टेबली बैठ के और ये चिंटिया हमें पूरा परफॉर्म करके दिखाएगी तो ये है बच्चों हमारे पास कौन सा आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन ठीक हो गया परफेक्ट हो गया चलो भाई धनुरासन अब धनुरासन कहाँ से आया है धनुष से आया है ठीक है जिसको हम बो भी बोलते हैं राइट समझते हो ना ठीक है ना तो ये हमारे पास धनुरासन है इट इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड धनुष विच मीन्स बो वेर आसन मीन्स पोज ओइंग टू द बो शेप्ड पोस्चर ऑफ द बॉडी वाइल परफॉर्मिंग इट इट इज रेफर्ड टू एज बो इसका शेप इस तरीके का है धनुष जैसा दिख रहा है आपको राइट तो इसीलिए इसको हम धनुरासन भी बोलते हैं क्या क्या फायदे होंगे स्ट्रेचेस द मसल्स दिनल मसल को स्ट्रेच करता है डाइजेशन प्रोसेस बेटर करता है स्ट्रेंथ अच्छी करता है एंकल्स में थाईज में चेस्ट में नेक में है ना और एबडोमिनल रीजन में भी हेल्प करता है किसको नहीं करना चाहिए जिनको हाई बी है हर्निया है और स्पाइनल प्रॉब्लम्स है उनको नहीं करना चाहिए सर इनके स्टिक डायग्राम्स लो सर अर्धमत् धनुरासन ठीक हो गया परफेक्ट हो गया चलो भाई नेक्स्ट कौन सा आ रहा है अब हमारे पास अगला आ रहा है सर हमारे पास उष्त्रासन उष्त्रासन बेसिकली किस तरीके का है ये भी एक बैक बेंड है कंप्लीट है, तो देखो उस ट्रसर इज बैकवर्ड बेंड फ्रॉमिंग पोजिशन पोस्चर है टच कर लेना है राइट द बैक ऑफ द फीट में बी फ्लैट ऑन द फ्लोर और द टोज में बी ट अंडर लेस स्ट्रॉन्ग बैक बेंड क्या क्या बेनिफिट्स होंगे पोस्टर बेटर करेगा ब्रीदिंग बेटर करेगा फैट कम करेगा एपडोम पे थाज पे और आर्म्स पे सही है जी परफेक्ट है तो ये भी हमें हेल्प करता है ओबेसिटी में इसके बाद हमारे पास आता है सूर्य वेदन सूर्य वेदन बेसिकली बच्चों एक ब्रीदिंग टेक्निक है सूर्य वेदन सबको जान सब लोगों ने सुना ही होगा बड़े ध्यान से कई बार आप लोगों ने इसको समझा हुआ होगा कई जगह ये पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से आपको एक नॉस्ट्रेल से इनहेल करना है फिर दूसरे से एक्सेल करना है फिर उससे इनहेल करना है दूसरे से एक्सेल करना है तो वही यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं सूर्य वेदन इज अ ब्रीदिंग टेक्निक फ्रॉम प्राणायाम विच इज वन ऑफ द एट महाकुंभ वेयर सूर्य मीन्स द सन

राइट right, कब नहीं करना अगर कोई हार्ट डिसीज है ओके okay. चलो जी दूसरा कौन सा आ गया सर अब हमारे पास डायबिटीज डायबिटीज समझते हो दूसरी बीमारी हर घर में शुगर की बीमारी राइट right. ये भी हो गया हमारे पास हाँ जी सर चलो भाई ये भी ये आसन स्टिक डायग्राम आपने देख लिए तो ओबेसिटी में आपने सब कुछ लिख लिया अब आप दूसरा हेडिंग डाल दोगे डायबिटीज दूसरा हेडिंग हाइडिंग करोगे डा डायबिटीज डायबिटीज में ऐसे ही आसन का नाम लिखोगे और उसका डायग्राम बना दोगे सही है परफेक्ट है तो आप देखोगे बहुत सारे कॉमन हैं ओके okay, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग डायबिटीज क्या है डायबिटीज इज द कंडीशन दैट इम्पेयर द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोसेस ब्लड ग्लूकोज देखो बॉडी में क्या हो जाता है जो शुगर है वो प्रोसेस नहीं हो पाती और जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है अदरवाइज नोन एज ब्लड शुगर स्मॉल डिवाइस कॉल्ड अ ग्लूकोज मीटर और ग्लूकोमीटर मेजर्स हाउ मच शुगर इज इन द ब्लड सैंपल राइट चलो इसके लिए सर कौन कौन से आसन हैं? सबसे पहला कति चक्रासन कति चक्रासन पीछे आपने पढ़ लिया था तो सेम देखो जो पढ़ लिया वो दोबारा आ गया राइट right, तो दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एक बार पढ़ लिया ना वही आप इसमें भी लिख सकते हो तो आपको पता चल गया एक आसन दोनों में कॉमन है ओबेसिटी में भी चलेगा डायबिटीज में भी चलेगा दूसरा कौन सा है पवन फिर से सेम आ गया देखो पवन भी आपने पीछे पढ़ा हुआ था वही सेम चल जाएगा ठीक है चलो भाई नाम लिख लिए अब आता है तीसरा हमारे पास भुजंग आसन भुजंग आसन किसको बोलते हैं सर कोबरास को बोलते हैं बच्चों भुजंग आसन देखो आप यहीं से देख पा रहे हो जस्ट लाइक अ कोबरा आगे से इस तरीके से है ना तो ये भुजंग आसन होता है भुजंग आसन और कोबरा पोज रिक्लाइनिंग बैक बेंडिंग आसन ठीक है आप देखो बैक नॉर्मल बेंड नहीं है 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 रिवर्स बेंड है। आसन इन 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 योग योग एंड मॉडर्न एज एक्सरसाइज इट इज कॉमनली साइकिल ऑफ सूर्य नमस्कार क्या क्या आप फायदे होंगे आपको स्ट्रेंथ देता है एजिलिटी देता है लिवर डिजीजेस में हेल्प करता है और सबसे पहले डायबिटीज लिख देना है ना डायबिटीज में हेल्प करता है स्ट्रेंथ देता है हैंड मसल्स को प्रेग्नेंट वुमेन को और जिनको हर्निया है या बैक इंजरीज है उनको नहीं करना चाहिए ठीक है अब देखो सर भुजंग आसन का अगर मुझे स्टिक डायग्राम देखना होगा तो फिर तो हम यहां पे लिखेंगे स्टिक डायग्राम ऑफ भुजंग आसन ठीक है तो देखो इस तरीके से आप हम्म ये हो गया देखो इस तरीके से आप डायग्राम बना के आ सकते हो ठीक है सर थोड़ा सा आप बना के दिखा दो आ जाओ देखो क्या करना है आपको सिंपली आपको ऐसे चिंटू लेना है ठीक है ये चिंटू हो गया ये ऐसे पीछे गया ये इसके पैर हो गए और ये इसके हाथ हो गए लो सर बन गया ठीक है तो इस तरीके से आप भुजंग आसन का स्टिक डायग्राम बना सकते हो हर आसन का स्टिक डायग्राम प्लीज ध्यान रखना आपको आना चाहिए ओके स्क्रीनशॉट ले लिया गया डन सर चलो भाई अब चलते हैं हम वापस से पिछली स्लाइड पे भुजंग आसन हमने देख लिया ठीक है दूसरा कौन सा होता है हमारे पास शलभ आसन शलब आसन किसको बोलते हैं लोकस्ट पोज को सही है लोकस्ट का क्या मतलब होता है बेसिकली ग्रास होपर शब्द से आया है, है? ना तो ग्रास होपर वर्ड से आप देखो ये दीदी कैसे दिख रही है ग्रास होपर जैसा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं पैर भी ऊपर है बॉडी में एक पूरा यू बना और हाथ पीछे जितने हो सके बेंड करने की कोशिश करी गई है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं द दे ग्रास होपर या फिर लोकस्ट सन ऑल्सो कोल्ड एज लोक वर्ड विच मीन एंड होता हैिटी बेटर right? करेगा, 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 करेगा सही है जी परफेक्ट हो गया तो ये हमारे पास दोनों आसन आपके पास पहले नहीं आए थे तो भुजंग आसन आ गया शलब आसन आ गया स्टिक डायग्राम साथ, साथ देखते रहना बनाते चलना ओके okay, चलो सर इसके बाद धनुरासन पहले आ गया था ठीक है तो धनुरासन मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है फिर से रिपीट हुआ है तो आप वो एज इट इज लिख लोगे नेक्स्ट कौन सा आता है सप्त सप्त वज्रासन सब्त वज्रासन का क्या मतलब होता होता मतलब होता है sleeping, है मतलब होता है है सप्त का का मतलब 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 स्लीपिंग स्लीपिंग ठीक इसका वज्र क्या होता है स्ट्रॉन्ग थरबोल्ट स्ट्रोंग होना कोई चीज का और आसन का मतलब है पोज राइट तो ये बेसिकली रिकलाइंट थंडरबोल्ट पोज है सही ये आपकी बैक स्ट्रेंथ में बहुत हेल्प करता है आर्म स्ट्रेंथ में बहुत हेल्प करता है और ब्लड फ्लो अच्छा करता है बॉडी में सही है तो क्या लिखा है देखो इट स्ट्रेचेज द लोअर स्पाइन दैट टोन्स द स्पाइनल दर्व एंड मसल इन द रीजन दिस इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द अपर लेग्स परफेक्ट है किसको नहीं करना चाहिए जिसको हाई बीपी रहता हो प्रेग्नेंट वन को नहीं करना चाहिए ओके इसको क्या बोलते हैं हम सप्त वज्रासन तो ये हमारा इस तरीके का है आ जाओ इसका थोड़ा सा और पिक्चर्स देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए अगर हमारे पास पिक्चर्स ना हो तो इनको समझना कितना मुश्किल है आइए जी ये आ गया हमारे पास देखो देख, देख रहे हो इस पिक्चर में समझो देखो सबसे पहले स्ट्रेट बैठ जाना है ठीक है फिर बैक को बेंड करना है पीछे की तरह और फिर कंप्लीट बेंड कर लेना है सही है जी तो ये हमारे पास आ गया सप्त वज्रासन मत्स्येंद्रासन ये हो चुका है पश्चिमोत्तासन ये भी पीछे हो चुका है तो ये दोनों भी वापस से रिपीट हुए हैं तो देखो अभी तक सिर्फ तीन ही आसन हैं जो इसके अंदर नए आए हैं बाकी सारे रिपीट हो गए पीछे वाले ओके उसके बाद आता है मंदुकासन और गोमुकासन ये दोनों नए हैं राइट अब देखो मंदूकासन क्या है मंदूक और आसन ठीक है बेसिकली इसको हम फ्रॉग पॉज बोलते हैं मंदूक किसको बोलते हैं फ्रॉग को तो फ्रॉग पॉज इसको बोला जाता है ठीक है मंदुकासन कैन बी स्प्रिट इन टू टू वर्ड्स मंदूक एंड आसन इन संस्कृत दीज वर्ड्स मींस फ्रॉग पॉज रिस्पेक्टिवली एज योर बॉडी अ फ्रॉग व्हेन यू प्रैक्टिस इट कैसा बॉडी लगता है फ्रॉग जैसा लगता है राइट right, इस सबके बेनिफिट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन फिर से सेम है वही आप लिख सकते हो राइट right? आ जाओ अब इसको देखते हैं सर मंदुकासन की एक आधी पिक्चर आओ भाई अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं ये आ गया जी मंदुकासन तो मंदुकासन में रामदेव जी को देखोगे ये देखो रामदेव जी को देख पा रहे हो अरे रुको भाई हमें कॉल मत करो देखो तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर आसन को परफॉर्म किया जाता है आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है जी ये हमारे पास बाबा रामदेव है ठीक है ये भी कर रहे हैं मंदूक आसन चलो भाई डन है जी डन सर यह भी क्लियर हो गया आप लोग को ओके इसके बाद गोमु देखो ये इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है देखो बड़े ध्यान से पिक्चर में ठीक है इसकी मैं और बेटर पिक्चर दिखाता हूँ गोमुख आसन देखो गो गो फेस, राइट? तो गो आसन, और फेस आसन इन योग एज, आ, यूज मेडिटेशन ठीक है आपकी लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है इलास्टिक बनाता है और आपको फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखने में भी हेल्प करता है आपको गोमुख आसन दिखाता हूँ हम देखेंगे अब सर गोमुख आसन गोमुख आसन आ जाइए ठीक है तो ये देखो ठीक है तो ये होता है हमारे पास गोमुख आसन आराम से बैठ के कंफर्टेबली ठीक है और दोनों हैंड्स पीछे से ज्वाइंट करने हैं इसको हम गोमुखासन बोल देते हैं सही है सर इसके बाद क्या आ रहा है इसके बाद आ रहा है बच्चों हमारे पास योग मुद्रा योग मुद्रा हमारे पास काफ़ी समय से पुराने समय से हम लोग देखते हैं योग मुद्रा में हम बहुत सारे हैंड जेस्टर्स के ऊपर रिलाई करते हैं ठीक है आप आपने ऐसे सुना होगा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जब बैठते हैं तो वो इस तरीके से अपने हैंड्स को ज्वाइन करके बैठते हैं देखो इस तरीके से ना उनके दोनों हाथ इस तरीके से ज्वाइन होते हैं ठीक है तो इस तरीके की मुद्रा हमारे एंशियन टाइम से बहुत पॉपुलर है हमारे ट्रेडिशंस में हमारे कल्चर में बहुत टाइम से देखी जाती है और अलग अलग तरीके की मुद्राज होती है जैसे आप हवन करने के लिए बैठते हो तो इस इस तरीके से कुछ लोग बैठते हैं राइट इस तरीके से कुछ इस तरीके से मुद्राज होती है तो बहुत सारी अलग अलग मुद्राज हैं अगर आप देखो तो देखो इसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं ये बेसिक इसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं उसके बाद शून्य मुद्रा हो गई सही है उसके बाद देखो अपान मुद्रा राइट पृथ्वी मुद्रा वायु मुद्रा प्राण मुद्रा तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग जो मुद्राज हैं वो बताई गई हैं राइट right? आओ इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है देखो योग मुद्राज आर स्पेसिफिक हैंड जेस्टर्स ये हैंड जेस्टर्स हैं क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ एनर्जी प्राण इन दॉडी एंड माइंड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ मुद्रा इज अ संस्कृत वर्ड मीन हैंड जेस्टर्स मेनी हिंदू एंड बुद्धि डीपर मीनिंग जब हम कत्थक वगैरह देखते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा मुद्रास का यूज किया जाता है राइट क्या क्या फायदे होंगे मुद्रा हेल्प टू लिंक द ब्रेन टू द बॉडी सूद पेन स्टिम्युलेट एंड ऑर्फेंस ज द मूड एंड इनक्रीज अवर वाइटलिटी सही हो गया परफेक्ट है चलो भाई इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है डन तो है।, है इसके बाद हमारे पास आता है कपाल भाती कपाल भाती बहुत ही पॉपुलर ब्रीदिंग टेक्निक है आप लोगों ने बाबा रामदेव को कई बार कपाल भाती करते देखा होगा राइट इसको भी डालते हैं आ जाओ गूगल पे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर मैं यहां पे लिखू तो देखो कपाल भाती हमारे पास आ गया अगर हम इसको देखें तो हाउ टू परफॉर्म में सबसे पहले बाबा रामदेव जी हमें दिखाई देते हैं तो इमेजेस की मदद से समझते हैं हम इसको कि किस तरीके से आपको इनहेल करना है किस तरीके से एक्सेल करना है देखो कपाल भाती में जो इनहेलेशन होता है वो बहुत स्लो और नॉर्मली होता है और जो एक्सेलेशन होता है वो क्विक और फोर्सफुल होता है राइट तो इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर आप एक बार YouTube पे चेक करना पूरा वीडियो आ जाएगा जिसके अंदर अलग अलग योग गुरुज आपको कपाल भाती करना सिखा रहे हैं तो बेसिक जो आपको लिख के आना है भाती में दो चीजें लिख के आना कि जो इनहेलेशन प्रोसेस है वो स्लो एंड नॉर्मल होता है और जो एक्सलेशन प्रोसेस है वो क्विक और फोर्सफुल होता है परफेक्ट जी क्या क्या फायदे होंगे इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है डाइजेशन अच्छा होता है मेटाबॉलिक रेट बेटर होता है पीपल विथ डायबिटीज में बहुत हेल्प करता है इट इज अग प्रस इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम संस्कृत वर्ड कपाल विच मीन स्कल एंड भाती मीन्स टू शाइन ठीक हो गया चलो भाई हार्ट पेशेंट को स्लोली करना चाहिए और इमीडिएटली आफ्टर मील नहीं करना चाहिए डांसर तीसरी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों अस्थमा तो आप वहां पर अपने डायग्राम में तीसरी प्रॉब्लम कौन से लिखोगे यहाँ पे अस्थमा अस्थमा इज ब्रीदिंग वाले हैं आइए देखो अस्थमा द डिजीज ऑफ लीवर लंग्स इन विच एयरवे बिकम ब्लॉक्ड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो आपका एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है जिस वजह से ब्रीदिंग में काफी डिफिकल्टी फेस करता है एक इंडिविजुअल राइट एयरवे ऑल्सो अप कई बार सूजन आ जाती है एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस इट ट्रिगर द कफिंग स्नीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कई लोगों को बहुत ज्यादा छीके आने लगती है उनको बहुत ज्यादा कफिंग फील होता है उनको शॉर्ट ऑफ ब्रीथ फील होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स अस्थमा में हमें देखने को मिलती हैं सर क्यों होता है अस्थमा एयर पोल्यूशन से पेस्ट से ठीक है उसके बाद क्लीनिंग प्रोडक्ट से उसके बाद हम लोग बोलेंगे टबैको से सही है ना तो ये बेसिकली बहुत सारे रीजनस हैं इसकी मेडिकल मेडिसिन भी आती हैं और साथ साथ कुछ नेब भी आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं सांस लेने में ठीक है चलो भाई अब इसके लिए कौन कौन से आसन सबसे पहले आपके पास ताड़ आसन देखो सब में कॉमन तो फिर से सबसे पहला आसन कॉमन आसन आ गया जिसको हम क्या बोल देते हैं ताड़ आसन तो इसको आप एज इट इज दोबारा से लिख पाओगे ठीक हो गया दूसरा कौन सा आता है हमारे पास उर्धवा हस्तोतन ठीक है सर ये क्या बोल दिया अरे यार देखो थोड़ा सा बड़ा नाम है और योगा में आपको यही करना होता है थोड़ा सा नेम्स को ना ब्रेक कर लो तो अगर आप ब्रेक कर लोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा तो आ जाओ पहले मैं आपको इसको ब्रेक करना सिखाता हूं तो देखो कैसे करोगे सबसे पहले मैंने क्या बोला उर्धवा उर्धवा हस्तोत तानासन ठीक हो गया ना तो तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लो तो उर्धवा हस्तोत तानासन आपके लिए आसान हो गया उर्द्वा का मतलब क्या होता है अपवर्ड ऊपर की तरफ हस्त मतलब हैंड्स ठीक है अब हिंदी वर्ड्स है ना इंग्लिश में लिखे गए हैं मतलब हैंड्स स्ट्रेचिंग और आसन का मतलब होता है पॉस्चर तो जब इस तरीके से हैंड्स ऊपर ले जाके पूरी बॉडी में एक अच्छे से स्ट्रेच दी जाती है दोनों साइड तो उस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है दिस आसन स्ट्रेचेस बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी सो इट मसाजेस लूजन एंड एक्सरसाइजेज द साइड्स ऑफ द रिपकेज एंड द Waste, जिन लोगों को साइड फैट होता है ना बहुत ज्यादा आप देखते हो तो उनके लिए काफी यूजफुल होता है हेल्प करता है ओपन सब द चेस्ट चेस्ट ओपन कर देता है तो ब्रीदिंग इश्यूज में हेल्प करता है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन अराउंड द एरिया एंड द हर्ट ठीक हो गया हर कोई कर सकता है सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के चलो भाई ताड़ आ गया उर्द्वा हस्तोतनासन आ गया आगे चलते हैं तीसरा कौन सा आ रहा है अब हमारे पास थर्ड आ गया हमारे पास उत्तना मंदुकासन उत्तना मंदुकासन अब हो सकता है शायद मैं इसको कहीं कही ना कहीं गलत प्रनाउंस कर रहा हूं उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी अगर कोई गलती हुई है क्योंकि हिंदी वाले वर्ड्स है ना इंग्लिश में कन्वर्ट हुए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है बट या इसके अंदर भी ये भी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है यार योगा में आप जितनी भी देखोगे सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस देखोगे और आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है ये डेली लाइफ में तो देखो क्या लिखा हुआ है उत्तना मंदुकासन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस्ड अप्रॉग पोस्चर ठीक है अब मंदूक पीछे भी आया था ना राइट right? तो बस वो नॉर्मल था मंदुकासन और ये उतना है मतलब कि बैठ के संस्कृत लैंग्वेज उतना मींस अपराइट ऊपर की तरफ मंदुक मीन्स फ्रॉग ये भी पीछे आ गया आसन का मतलब पोज ये भी आप ब्रेक करके आसानी से कर सकते हो तो इसको हम अपराइट फ्रॉग पोज बोलते हैं सही है ये देखो ये चिंटी इस तरीके से बैठ के करके दिखा रही है राइट द पोज दल्सो स्ट्रेचेज द डाइफ्रम इफेक्टिवली एंड ऑल्सो द चेस्ट रीजन ठीक है स्ट्रेच देता है बहुत अच्छा इजी ब्रीदिंग देता है और रेस्पिरेटरी कंजेशन और डिजीजे में हमें हेल्प करता है इसकी कोई और पिक्चर देखें उत्तना देखे आओ सर ये आता है हमारे पास उत्तना सन ठीक है जी इमेजेस में अगर हम देखें तो देखो फ्रंट से मैंने आपको ये दिखा दिया ये वाला पिक्चर बैक से आप ये वाला देख सकते हो कि किस तरीके से हैंड्स का पोजीशन रखना है दोनों साइड रिवर्स शोल्डर्स पे आपको हैंड्स लेके जाने हैं और क्या एक ही पिक्चर में दोनों पोजिशन है ये देखो ठीक है परफेक्ट हो गया तो दिस इज हाउ दिस आसन इज परफॉर्मड इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है सर हमारे पास बस बाकी सारे कॉमन है आसन पहले आ चुका है धनुरासन भी पहले आ चुका है राइट ये हमारे पास आ गए इसके बाद हमारे पास आ गया बच्चों उष्ट्रासन ये भी पीछे आ चुका है अब आता है वक्रासन ठीक है वक्र आसन का क्या मतलब है देखो वक्र का मतलब होता है ट्विस्टेड ये भी हमारे पास आ गया है है ना तो क्या है वक्र मीन्स ट्विस्टेड एंड आसन मीन योगा पोस्चर तो वक्रासन वीफाइड फॉर्म ऑफ अर्ध मत्सन वक्रासन इज अमंग योगा ट्विस्ट ट्विस्टिंग इज इन द स्पाइनल रीजन तो ये भी हमने पीछे देख लिया था वक्रासन भी आ गया था हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है कपाल भाती भी पीछे आ गया था गोमुखासन भी पीछे आ गया था तो ये आप एज इट इज सेम सेम अपने चार्ट में लिखते चलना ठीक है जी इसके बाद मत्स्यासन भी आ गया था अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम क्या है हमारे पास ये भी बेसिकली ब्रीदिंग प्राणायाम ये भी पीछे आया था राइट अनुलोम विलोम में भी आपको क्या करना है ब्रीदिंग करनी है देखो इसकी भी पिक्चर दिखाता हूँ आपको कोई और उससे और क्लैरिटी आ जाएगी वही लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करो राइट से छोड़ दो फिर राइट से इनहेल करो लेफ्ट से छोड़ दो अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम आइए जी इसके पिक्चर्स भी आप बड़े ध्यान से देख सकते हो हम्म देखो हो जा भैया हो जा हो जा हो जा हो जा, हो जा।, जा जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ सिट इन अ कंफर्टेबल क्रॉस लेग्स पोस्चर एंड क्लोज योर आईज सबसे पहले आप कंफर्टेबली क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ जाएंगे और अपनी आईज क्लोज कर देंगे प्लेस योर राइट थम ऑन द राइट नोस्ट्रल एंड इनहेल डीपली फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रल ठीक है आपको सिंपली अपनी राइट right नोस्ट्रल बंद करनी है और लेफ्ट से इनहेल करना है उसके बाद सिमिलरली क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल विद योर राइट थम एंड होल्ड लेफ्ट योर राइट थम एंड एक्सहेल डीपली ठीक है पहले इनहेल करना है फिर एक्सेल करना है इसी तरीके से इधर से इनहेल करना है एक्सेल करना है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं अनुलोम विलोम कोई और पिक्चर बस बाकी तो बच्चों बेसिक्स पिक्चर्स दी भी है चलो इसके बेनिफिट्स वगैरह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्या क्या है आपको पेशेंस इंप्रूव करने में फोकस इंप्रूव करने में कंट्रोल इंप्रूव करने में स्ट्रेस एंजाइटी में हेल्प करता है इंप्रूवमेंट करता है ब्रेन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ में तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं ठीक है जी चलो नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास चौथा इशू जो कि है हाइपर टेंशन आओ जी चौथा अब आप यहां पे लिखोगे हाइपर टेंशन ठीक हो गया तो ओबेसिटी हो चुका है डायबिटीज हो चुका है अस्थमा हो चुका है लास्ट आ रहा है बच्चों हमारे पास हाइपर टेंशन ठीक है आओ अब इसके बारे में पढ़ते हैं देखो जो मैंने जितने भी आसन आपको दिखाए हैं आपने देखा बहुत सारे कॉमन है तो आपको कॉमन वाले रेडी करने हैं, बाकी तो एक एक दो दो आसन अलग है दैट इज इट राइट अब बताओ जी फटाफट से हमारे पास हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है हाई बीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलता हूं बड़े ध्यान से आपको करना है चारों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है ओके okay? तो इसको बड़े ध्यान से करना क्या है जी अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बहुत तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा होता है आर्टरी वॉल्स पे और कई बार इससे आ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं हम लोग देखते हैं हार्ट अटैक या इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हमें हाई बीपी की वजह से देखने को मिलती हैं यूजुअली हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर अब अब हाइपर टेंशन में क्या होता है इंसान फेंट हो सकता है डिजीनेस फील करता है हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है हाँ उसके साथ साथ वॉमिट वगैरह करता है फटीक थका थका रहता है तो ये सारे बेसिकली हाई बीपी में देखने को मिलते हैं अब सर इसमें कौन कौन से आसन यूजफुल हैं तो सबसे पहले ताड़ आसन सबसे पहला बेसिक स्टैंडिंग पोज है तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए इसका भी मैंने स्टेक डायग्राम दिखा दिया था कति चक्र आसन कति चक्र आसन भी पीछे आ चुका है है ना कति चक्र आसन तीन शब्दों से जुड़ के बना था आपको पता होना चाहिए वेस्ट में रोटेशन करना आंसर तीसरा कौन सा आता है अब हमारे पास देखो बड़े ध्यान से इसको क्या बोलते हैं अपवर्ड फेसिंग योगा पोज ठीक है उत्तान पदासन उत्तान का मतलब जो ऊपर की तरफ उत्तान मीन ऊपर की तरफ पद मीन्स पैर आसन का मतलब पोज राइट तो आप इस तरीके से देखो उत्तान पद आसन पढ़ सकते हो इसका स्टिक डायग्राम सर अगर मुझे बनाना हो तो देखो किस तरीके से यही सेम टू सेम आपको स्टिक डायग्राम में बना देना है ओके ये जिंटू हो गया ये हो गया ये पैर इसके ऊपर की तरफ गए और ये इसके हैंड बना दिया आपने राइट तो ये हो गया हमारे पास उत्तान पद आसन ओके इट इज अ ट्रेडिशनल अपवर्ड फेसिंग योगा पोज इन संस्कृत उत्तान ऊपर की तरफ पद एंड आसन इज कॉल्ड द रेज लेग पोज ठीक है इट मे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है जिससे बोल मोमेंट अच्छा होता है और वेस्ट एक्सक्रीशन बढ़िया हो जाता है विमेन ड्यूरिंग देयर मैस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए और जिन लोगों का पीपल विद ब्लड प्रेशर एलिमेंट विल डू अंडर ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से अंडर ऑब्जर्वेशन इसको परफॉर्म करना है ठीक है अर्ध हलासन पीछे आ चुका है ठीक है हाफ पोज हलासन पीछे आया था अब ये अर्ध हलासन हो गया अर्ध का मतलब आधा है ना आधा हल जब हम बनाएंगे तो उसको हम अर्ध हलासन बोल देंगे तो स्टिक एक डायग्राम बहुत बेसिक है बड़ा आसानी से देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना के चिंटी लेटी हुई ठीक है ये 90 डिग्री का एंगल बन गया सीधा रिलैक्स पोजीशन में लेटने के बाद पैर ऊपर तक ले जाओ 90 डिग्री में इसको हम क्या बोल देंगे अर्ध हल, अर्ध half, हल आसन ठीक है इट इज द हाफ प्लो पोज बिकॉज़ अर्ध मींस हाफ हल मींस प्लो एंड आसन मींस पोस्चर राइट तो ये भी आपको इट विल हेल्प इन स्ट्रेचिंग द स्पाइन वेस्ट एंड थाई मसल इट मे फाइट अगेंस्ट पाइल्स एंड डायबिटीज ठीक है जी उसके बाद सर हमारे पास कौन सा आता है द सरल मत्स्यासन सरल मत्स्य आसन का मतलब सरल का मतलब क्या होता है इजी मत्स्य मतलब फिश आसन मतलब पोज तो सरल मत्स्य आसन का मतलब होता है इजी फिश पोज ओके तो देखो बहुत सिंपल बिल्कुल सिंपली लेट के आपको अपना बैक इस तरीके से पोजिशन में लेके आना है कि गैप आए आपके अपर बैक और फ्लोर के बीच में ठीक है देखो ये बिल्कुल सीधा नहीं लेटना है यहाँ पे ये गैप बड़े ध्यान से देख के परफॉर्म करना है ओके इससे क्या होगा इजी फिश पोज क्या क्या फ़ायदे होंगे सर डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करता है और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में इम्प्रूव करने में मदद करता है ठीक है जी परफेक्ट हो गया गोमुखासन पीछे आ गया था सेम टू सेम सर उसके बाद उत्तान मंदकासन भी पीछे आ गया था वक्रासन भी पीछे आ गया था देख रहे हो मोस्ट ऑफ दी आर कॉमन ठीक है इसके बाद हमारे पास भुजंग आसन भुजंग आसन भी पीछे आ गया था राइट मकर आसन भी पीछे आ गया था इसको हम लोग क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं है ना आसन का मैं आपको एक आधा और इमेज अच्छा दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी नहीं आएगा ये तो सिंपली फेस नीचे करके चिंटी लेटी है ऐसे नहीं चलेगा मकर आसन में हमें थोड़ा और बेटर पिक्चर दिखा देता हूं मैं आपको मकरासन मकरासन इज द क्रोकोडाइल पोज ठीक है ये देखो तो सिंपली लेटना है ऊपर की तरफ जाना है फिर रिलैक्स करना है तो ये हमारे पास मकरासन होता है चलो भाई समझ गए सर ठीक है भुजंगासन हो गया मकरासन हो गया शवासन शवासन बेसिकली रिलैक्सिंग पोज होता है शवासन इज बस लेटो और रिलैक्स करो शव का मतलब समझते हो ना डेड बॉडी तो बेसिकली बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद नॉर्मल रेस्ट के लिए शवासन किया जाता है ठीक है शवासन कॉर्पस पोज और मृत आसन इज एन आसन इन हथ योग एंड मॉडर्न योग रिलैक्सेशन ऑफ द एंड ऑफ अ सेशन सेशन एंड पे इसको बेसिकली किया जाता है बिल्कुल लास्ट में आराम से रेस्ट करना Uh, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है और माइंड को काम करता है ठीक है चलो भाई उसके बाद हमारे पास आ गया नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बेसिकली पीछे नॉस्ट्रल ब्रीदिंग वही आपको बेसिकली नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये नॉस्ट्रल एक बार बंद करके उसको इनहेल करना है फिर एक्जेल करना है वही है ये बेसिकली अब इसके भी बच्चों बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं मतलब कुछ लोग सबसे पहले इस तरीके से आ, मुद्रा बनाएंगे ठीक है ऐसे मैंने अपना आ, राइट साइड वाला नोस्ट्रेल बंद किया और इधर से ही पांच बार इनेल करा फिर इधर से एक्सेल कर दिया उसके बाद ये क्लोज कर दिया फिर इस तरफ से पांच बार इनेल करा पांच बार एक्सेल कर दिया उसके बाद फिर दोनों से पांच बार इनेल करा पांच बार एक्सेल करा ये बेसिक से शुरुआत होती है ठीक है फिर उसका थोड़ा एडवांस वर्जन होता है कि इधर से एक्सल करा इधर से करा फिर इधर से इन्हेल करा इधर से एक्सेल करा तो इसके बहुत सारे वर्जन होते हैं क्योंकि हमारे को इसमें अपनी नाड़ियों को बिल्कुल क्लीन करना है है ना तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम में आ जाता है ठीक है अब इसको पूरा सीखने के लिए आपको योग सीखना पड़ता है बहुत बेसिक से शुरू होता है और बहुत एडवांस तक जाता है तो ये डे टू डे प्रैक्टिस से प्रैक्टिकली सिखाया जाता है थ्योरी में आपको बस ये लिखना है दैट इज एन ठीक है चलो भाई इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे क्लियर एंड रिलीज टॉक्सिन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनशियसनेस और आपको अगर बहुत ज्यादा हाई बीपी है तो फिर इसको थोड़ा ध्यान से करना है या नहीं करना है सही है जी चलो भाई इसके बाद आता है शीतली प्राणायाम शीतली प्राणायाम देखो कूलिंग राइट शीतली का मतलब होता है शीतल करना ठंडा करना तो अगर आपका बॉडी पूरा हीटअप हो चुका है अब आपको कूलिंग करनी है तो इस तरीके से देखो चिंटी ने अपनी टंग को ट्विस्ट करा ठीक है टंग को ट्विस्ट करा और फिर ब्रीद इन करा तो एकदम ठंडा ठंडा फील होता है अच्छा फील होता है तो इसको हम बोलते हैं शीतली प्राणायाम ओके ऑफन एंड कोल्ड हेज द कूलिंग ब्रीथ इज अ ब्रीथ प्रैक्टिस दैट कूल्स द बॉडी एंड हैज अ कामिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम इट कैन हेल्प यू टू फोकस इट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस एजिटेशन और एंगर ठीक है और अगर आपको बहुत ज्यादा बीपी है तो आप प्लीज इसको भी अवॉइड करेंगे चलो भाई लास्ट आता है बच्चों हमारे पास बैक पेन या अर्थराइटिस के लिए अब जिन लोगों को बैक पेन या अर्थराइटिस रहता है हमारा आखिरी जो बॉक्स है यहाँ पे हम लिखेंगे बैक पेन एंड अर्थराइटिस तो जिन लोगों को बैक पेन या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए कौन से आसन चलेंगे तो देखो बैक स्पाइनल से ही होने वाले सारे आसन थे राइट तो स्पाइन में तो आपको हेल्प करते ही करते हैं स्ट्रेंदन करने में कंडीशनिंग अच्छी करने में तो ये सारे आसन बच्चों अब आपको बैक पेन और अर्थराइटिस में हेल्प करेंगे सबसे पहले ताड़ आसन पीछे आ चुका है पढ़ चुके हो दूसरा कौन सा आ गया उर्ध फिर से देखो फिर से उर्धवा हस्तोत्ता ठीक है ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया था अर्ध चक्रासन अर्ध चक्रासन आ गया आधा चक्र बनाना ठीक है देखो जैसे यहाँ पे चिंटी कर रही है हाफ सर्कल है ना आधा चक्र इन संस्कृत अर्ध मीन्स हाफ चक्र मीन्स व्हील एंड आसन मीन्स अपोज तो अर्ध चक्रासन मीन्स हाफ व्हील पोस्टर ठीक है चक्रासन का एक सिंपलर वर्जन है ये सही है जी चलो उसके बाद उस्त्र आसन पीछे आ गया था वक्रासन पीछे आ गया था तो सेम टू सेम बस आपने पढ़ लिए हैं आपको वो चार्ट जो आप अपनी कॉपी में बना रहे हो ना वो हेल्प करेगा इसको पढ़ने में सही है जी चलो सरल मत्स्य आसन पीछे आ गया था भुजंग आसन पीछे आ गया था डांसर गोमुख आसन आ गया था भद्रासन अब देखो भद्रासन का क्या मतलब होता है भद्र का क्या मतलब होता है ऑस्पेशियस और, और आसन का मतलब होता है योग तो आपको सिंपली एक आ इस यो इस पर्टिकुलर पोजिशन में बैठना है देखो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इसके अंदर भी हमारे पास जो हैंड पोजीशंस हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहता है इसकी एक और पिक्चर दिखाता हूं आपको बहुत अच्छी हम चलते हैं एक बार भद्रासन की पिक्चर देखने के लिए तो हम यहां पे लिखते हैं आ आगे देखो ये आगे देखो लुक फॉरवर्ड स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी ठीक है और फोल्ड योर नीज एंड देन हैंड क्लास्ट ऑन द फीट जो फीट है फीट को इस तरीके से क्लोज कर लेना है। सोल्स ऑफ योर फीट शुड टच ईच अदर एक दूसरे के साथ फीट्स आ, टच कर रहा हो और इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है सही हो गया परफेक्ट हो गया डन सर देखो इट रिलीव टेंशन फ्रॉम द स्पाइनल रीजन स्पाइनल रीजन पर अगर कोई टेंशन होती है उससे रिलीव कर देता है पॉस्चर इंप्रूव करने में हेल्प करता है कॉन्सेंट्रेशन प्रमोट करता है ये। सही है जी परफेक्ट है चलो भाई नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास मकरासन पीछे आ गया था नाड़ी शोधन प्राणायाम पीछे आ गया था तो ये सारा का सारा आपको हेल्प करेगा बैक पेन में अर्थराइटिस में बोन्स इश्यूज में तो ये सारे के सारे आसन ये सारे के सारे पोजिशन्स ये सारे के सारे पोजेज हमें हेल्प करते हैं बच्चों वेरियस प्रॉब्लम्स के साथ और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी आज इस चैप्टर में तो ओबेसिटी हमने कवर करा डायबिटीज हमने कवर करा अस्थमा हमने कवर करा हाइपरटेंशन कवर करा और बैक पेन कवर करा तो दिस इज़ हाउ आपका योगा चैप्टर चलता है दो तीन चीजें इसके अंदर ध्यान रखना सबसे पहले ये चार्ट जो आपने पूरा करा होप आपने पूरा कर लिया होगा इसके बाद स्टिक डायग्राम्स कैसे बनाने हैं ये आपको पता होने चाहिए ठीक है उसके बाद बच्चों कॉन्ट्रेंडिक्शन सारे के सारे आपको पता होने चाहिए एंड आसन के बेनिफिट्स सही है जब आप ये सारे की सारी चीजें लिख दोगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है एंड आई एम वेरी मच होपफुल वो जो चार्ट तुमने बनाया है उसमें देख रहे हो आपकी सारे के सारे कॉमन आसन है बस पहला वाला तैयार कर लो पहले वाले में ही सारे आपने पढ़ लेने हैं उसके बाद तो एक दो एक दो नए हैं बाकी सब कॉमन है और राइट तो दिस इज इट गाइज फ्रॉम योगा और हमारा सिलेबस समाप्त होता है थेटिकली बस प्रैक्टिकली हमारे पास एक चैप्टर नंबर वन के फिक्सचर्स बचे हैं वो मैं आपको कल कराता हूँ और सिलेबस समाप्त ठीक है चलो भाई आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ मैं बहुत जल्द तिलदिया टेक केयर बाय